हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर पावर सेक्टर का शेयर है, काफ़ी अच्छा शेयर है, डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करता है, अपने शेयर होल्डर को उसने रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हैं। इसके हम लोग बुक वैल्यू के बारे में बात करने वाले, सारे फंडामेंटल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टाटा पावर के मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। 1,40,000 करोड़ का कंपनी का आप लोगों को मार्केट कैप देखने के लिए मिलता है। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 439 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एंड आप लोग को जो हम लोग बात करें पिछले 3 साल में प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट के ग्रोथ के बारे में, 43% तक की आप लोगों को जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट में देखने के लिए मिली है, एंड 23% तक की ग्रोथ आप लोग को सेल्स में देखने के लिए मिली है। कंपनी जो हर साल डिविडेंड पे कर रही है, और 17% तक का डिविडेंड इसने जो कंपनी है टाटा पावर लास्ट ईयर उसने पे करा था अपने शेयर होल्डर को। प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर 3,450 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा था। पिछले 1 साल में 98% तक का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को कमा कर दिया है। एंड एक टाइम था जब टाटा पावर 120-125 के आसपास ट्रेड करता था, उस टाइम पर भी वीडियो बना के लोगों को बोलता था कि पावर सेक्टर का शेयर है, आने वाले टाइम में बूम करेगा, एंड वो टाइम आज आ चुका है। तो अभी मेरा ये कहना है कि जो जिन लोगों ने शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि वेट करने का रीज़न भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे चार्ट्स के ऊपर ध्यान दें। तो पिछले 5 साल की चार्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि 125 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था लगभग 2021 में। उसी टाइम पर मैंने चैनल स्टार्ट करा था, बीच में वीडियोज़ बनानी बंद कर दी थी, लेकिन उस टाइम पर मैं लोगों को रिकमेंडेशन यही देता था कि आप लोगों को इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। एंड आगे चलते के बारे में, तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.2% CAGR अवर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22%। कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड जो पे करती है वो भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है, 22% तक का डिविडेंड रेगुलर पे करती है। तो आप लोग अगर डिविडेंड पेइंग शेयर देख रहे हैं तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं टाटा पावर को। शेयर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.34% एट इट बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू से 4.34% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.2% ओवर द लास्ट ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी की जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं अपने सेक्टर में, आप लोग देखिए तो 5th नंबर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। सेक्टर में जो टॉप पर देखने को मिलता है NTPC देखने को मिलता है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अदानी पावर, अदानी ग्रिड, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के सीधा चलते हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो लगभग मार्च 2013 से लेकर 2024 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने अर्न करा है। एंड ऑलमोस्ट मार्च 2015 से लेकर अभी तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड पे आउट दे रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। कंपनी जो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। इसके चलते सीधा सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो जो इसमें आप लोगों को प्रमोटर्स होल्डिंग देखने के लिए मिलती है, 46% तक की प्रमोटर्स होल्डिंग देखने के लिए मिलती है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है प्रमोटर्स की भी। FIL का स्टेक जो है 9.44% तक का देखने के लिए मिलता है। DIL का स्टेक 15% तक का देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट 0.33% का स्टेक होल्ड करती है, एंड पब्लिक आपके और हमारे जैसे लोग 27% तक का स्टेक होल्ड करते हैं। टोटल शेयर होल्डर 44,35,226 आप लोगों को इस शेयर में देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, जो फंडामेंटल्स है कंपनी के, अबव एवरेज फंडामेंटल्स देखने के लिए मिलती है। डेफिनेटली कंपनी फ्यूचर में दोबारा ग्रोथ करेगी, दो और अच्छा ग्रोथ करेगी, एंड शेयर प्राइस आप लोग को और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ी सी लो देखने के लिए मिलती है, अपनी बुक वैल्यू से आगे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने के मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो सीधा सीधा देखा जाए कंपनी एक जो टाटा पावर है वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा आप लोग को वेट करना चाहिए। अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए टाटा पावर में। जैसे ही शेयर का प्राइस आप लोगों को कम होते हुए दिखाई देगा, शेयर में आप लोगों को करेक्शन देखने के लिए मिलेगी, उस टाइम पर आप लोग डेफिनेटली टाटा पावर में को बाय कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का टाटा पावर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
किसी और शेयर के लेके कोई और जानकारी अगर आप लोगों को लेनी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।